नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो बिहार में एक बार और नया फेज शिक्षक भर्ती का स्टार्ट हो चुका है। 3 नवंबर से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी बच्चे पूछ रहे थे कि सर, क्लास 6 से 8 जो वैकेंसी आ रही है, फर्स्ट फेज में ये वैकेंसी नहीं थी, ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, 31,982 भर्ती आ रही है 6 से 8 के लिए। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? अदर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे तो उन किस कैटेगरी में आएंगे, सीटेट का मार्क्स क्या लगेगा, ये जो भी आपके अलग अलग सवाल हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीएड बीटीसी वाले भी भर सकते हैं या सिर्फ बीएड वाले भर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आप सभी के लिए, तो ये सभी मैं यहां पर डिटेल में आपको बताऊंगा। सो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसी प्रकार के कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा जो पॉइंट आपको बिहार शिक्षक भर्ती में नहीं समझ में आता है कि सर ये क्या करना है, तो मैं उसको समझाऊंगा, तो उसके लिए आप वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो, सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, जिस भी प्रकार की आपकी समस्या होगी उसका निदान जरूर दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल 31,982 जो है पद आपके आ रहे हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए। इसमें कौन कौन से लोग भर सकते हैं, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, वो मैं आपको अगर बता दूं तो यहां देखिए जो नियमावली निकाली गई थी तो उस नियमावली में साफ साफ यहां पर आपका बोला गया था कि कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, ये 2 मिनट रुक जाइए। ये देखिए यहां पर साफ साफ दिया गया है, ये आपके नियमावली का ही कटिंग है। इसमें लिखा गया है कि विद्यालय के अध्यापक के लिए 6 से 8 के लिए, ठीक है, 6 से 8 कक्षा के लिए मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे। ठीक है, कौन कौन से पद होंगे 6 से 8 में, तो 6 से 8 में जो वैकेंसी आएगी वो गणित और विज्ञान विद्यालय अध्यापक के लिए रहेगी, और सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक के लिए रहेगी, और भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए रहेगी। मतलब भाषा में आपका अंग्रेजी हिंदी चलता है और भी जो चलेगा उसके लिए आपका रहेगा यहां पर, बाकी गणित और विज्ञान का रहेगा और सामाजिक, यही क्लास 8 तक चलता है, इन्हीं टीचरों की जरूरत होती है। तो अब यहां पर बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या होगी आपकी, एजुकेशन क्या चाहिए, है ना, इसमें आपको एजुकेशन क्या चाहिए, तो यह ध्यान रखिए कि एजुकेशन में आपका यहां साफ साफ बोला है नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी, स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो। मतलब आपके स्नातक के साथ 2 साल का कोई डिप्लोमा है जिसको हम डीएलएड कहते हैं आज के समय में, और पहले उसको हम क्या कहते थे, बीटीसी कहते थे। अगर ये आपके पास है तभी भी आप 6 से 8 भर सकते हो। 1 से 5 में भी डीएलएड एलिजिबल है और 6 से 8 वालों में भी डीएलएड एलिजिबल है। तो ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखिएगा, अभी नोट आपका मेन नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन वैसे भी यहां पर जो नियमावली निकाली गई थी उसमें यही बात की गई थी। अगर ये नहीं है, आप डिप्लोमा नहीं किए भी हो, तो यहां बोला है कम से कम 50% अंकों के सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड होना चाहिए। आप 50% के साथ आप या तो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, और उसके साथ अगर आपने बीएड किया है तो आप एलिजिबल होंगे 6 से 8 के लिए। ये बात समझ लेना, मैं सिर्फ 6 से 8 बता रहा हूं, बाकी 9 से 10 11 12 अलग से वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पर और क्या चाहिए, बाकी और भी चीजें होती हैं कि आप इंटीग्रेटेड वाला प्रोग्राम किए हो तो वो भी मान्य होगा, एमएड बीएड के साथ एमएड वाला, तो वो ध्यान रखिएगा। और रही बात कि आपकी एक तरह से बोला जाए कि टीचिंग एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आप अगर सीटेट का पेपर, सीटेट पेपर
टू सीटेड पेपर टू जो होता है 6 से 8 के लिए, ये अगर आप क्वालिफाई हो, ठीक है, अगर आप क्वालिफाई हो तो आप एलिजिबल हो। सीटेट पेपर टू चाहिए, या बिहार में भी बीटेट होता है एक, ऐसे ही बीटेट का पेपर टू चाहिए, ठीक है। बीटेट का पेपर अगर आपका पास हो, बीटेट भी 6 से 8 के लिए होता है, अगर बीटेट आपने पास किया है, क्वालिफाई किया, या सीटेट क्वालिफाई किया है दूसरा पेपर, तो आप 6 से 8 के लिए एलिजिबल हैं, बीएड भी और बीटीसी वाले भी ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट के साथ आपका बीएड हो या बीटीसी हो, और प्लस सीटेट हो, सीटेट है ना, सीटेट या बीटेट क्या हो, पेपर टू हो, ठीक है, ये क्या हो, पेपर टू हो, ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ये समझ में आ गई। और बाद में एक और पॉइंट लिखा गया है कि शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, विशेष शिक्षा, डिप्लोमा में अगर आपने विशेष शिक्षा में किया है, या बीएड विशेष शिक्षा किया है जो 1 साल का होता था खासकर, के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसे योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण के पूर्ण करने हेतु 6 महीने की संवैतनिक अवकाश मान्य होगा। यह ध्यान रखिएगा, मतलब अगर आपने विशेष, यहां लिखा ना, विशेष शिक्षा में बीएड या डिप्लोमा किया है, तो आपको 6 महीने का एक कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। वो विशेष के वालों के लिए, जो बीएड विशेष चलता था 1 साल के लिए, उनके लिए ये पॉइंट लिखा गया है। उसके बाद से अगर हम बात करें कि कक्षा 6 से 8 किस सब्जेक्ट का, अगर मैं बात करूं मैथ साइंस वाले कौन टीचर बन सकते हैं, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, तो यहां ध्यान रखिए, सबसे पहले बोला गया है कि वर्ग 6-8 में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स या सब्सिडरी विषय के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय पठित हो। समझ में आ रहा है कि अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हो या अंग्रेजी के बनना चाहते हो, तो आप इंग्लिश से या तो ऑनर्स हो या सब्सिडरी विषय के रूप में आपने हिंदी या इंग्लिश 3 साल तक पढ़ा है, तो आप एलिजिबल होंगे, आप इंग्लिश और हिंदी के टीचर के लिए। बात मेरी समझ लेना, चाहे आपका बीए किसी से भी हो, अगर बीए में आपने हिंदी 3 साल पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो, हिंदी में टीचर बन सकते हो, इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश में बन सकते हो, ऑनर से तो भी बन सकते हो। 6 से 8 के लिए अगर सामाजिक विज्ञान के विषय का टीचर बनना है, एसएसटी का बनना है, तो उसके लिए आप स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई भी 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। मतलब कोई भी 2 विषय आपने स्नातक स्तर में लास्ट तक लेकर चले हैं, तो आप एसएसटी के भी टीचर बन सकते हैं, कोई भी इनमें से, चाहे इतिहास भूगोल ले लो, चाहे भूगोल राजनीति शास्त्र ले लो, कोई भी 2 विषय इनमें से आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो आप एलिजिबल होगे 3 साल, खासकर क्योंकि यहां पर लिखा नहीं है तो 3 साल मान के चलिए। वर्ग 6 से 8 के गणित और विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हो। यह ध्यान रखिएगा, अगर आपको गणित का टीचर बनना है, तो आप गणित के साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री, आप क्या हो, 2 विषय आपका क्या हो, 3 साल तक रहे। मेरी बात ध्यान रखिएगा, यहां पर बोला है गणित और विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय। अब इसमें यह नहीं बोला, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको जो लगे, इनमें से अगर आपने 2 विषय पढ़ा है अपने उसमें, तो आप गणित और विज्ञान के टीचर बन सकते हो। तो भाई जाहिर सी बात है, जो गणित पढ़ा रहेगा और फिजिक्स पढ़ा रहेगा, तो वो गणित के लिए भरेगा, साइंस वाला भरेगा नहीं, बायो वाला वही भरेगा जो बायो वाला जिसमें रहा होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपने अगर इनमें से कोई 2 विषय, बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में कोई 2 विषय 3 साल पढ़ा है,
तीन साल का होता है ना, तीनों साल पढ़ा है तो आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे कोई भी दो विषय। ठीक, चलिए अब हम लोग यहां पर आते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब कुछ लोगों को ये कहना है कि सर बिहार में खासकर महिलाओं के लिए अगर हम बात करें, हाँ अभी आते हैं एज के बारे में बताएंगे, लेकिन बिहार में जो बीटेट होता है ना उसमें आपका बीटेट में कितना परसेंट चाहिए, तो बिहार में जनरल जो वुमेन्स होंगी, वुमेन्स का ही सिर्फ एक स्पेशल है, जनरल वुमेन्स के लिए बीटेट में अगर वो 55% चाहे बीटेट हो चाहे सीटेट का दूसरा पेपर हो, सीटेट का क्या दूसरा पेपर हो, ये भी नोटिस आया हुआ था, सीटेट का क्या हो दूसरा पेपर हो, इन दोनों में जनरल की जो वुमेन होंगी उनके लिए मात्र 55% मार्क्स चाहिए। तो अगर कोई कहीं भी किसी भी स्टेट की महिला है जब वो बिहार में जाएगी तो वो महिला जनरल में ही काउंट होगी, दूसरे स्टेट की वहां की महिला जिस कैटेगरी में होगी वो महिला कैटेगरी में आएगी, ठीक है वो महिला कैटेगरी में आएगी, तो महिला कैटेगरी में आने का मतलब उसको 55% तो लाना ही है। महिला यहां बोला ना आपको, देखिए यहां पर जनरल महिला की बात किया है, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक, ठीक है सामान्य कोटि की महिला वहां पे, तो जब कोई दूसरे स्टेट की महिला बिहार में फॉर्म भरेगी तो वो जनरल में महिला जाएगी, समझ रहे हो, वो किसमें जाएगी, वो इसी में जाएगी सामान्य कोटि की महिला में जाएगी, तो उसको सीटेट के दूसरे पेपर में मात्र 55% चाहिए। और वैसे सीटेट में जनरल लोगों को 90 से ऊपर मार्क्स चाहिए, लेकिन तभी वो क्वालिफाई माने जाते हैं, लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती में बिहार सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि कोई भी महिला जो अदर स्टेट की भी महिला है वो भी बिहार में जब आएगी तो जनरल ही काउंट होगी, तो उसको मात्र 83 नंबर चाहिए। अगर उसके सीटेट में वो फेल भी है सेंट्रल लेवल पे लेकिन बिहार उसके 83 मार्क्स हैं तो वो बिहार में 6 से 8 का टीचर बन सकती है। ठीक है, ये महिलाओं के लिए सिर्फ लागू है, पुरुषों के लिए लागू नहीं है। पुरुषों के लिए साफ साफ बोला है सीटेट अभ्यर्थी के लिए या बीटेट के लिए लागू प्रावधान, सामान्य कोटि अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक। ठीक है, तो जो मेन जनरल कैटेगरी की पुरुष वर्ग है उनको 60 चाहिए, तो वो चाहे अदर स्टेट का हो चाहे बिहार का हो उसको 60% लाना, मतलब 90 नंबर लाना है। बाकी वहां के अगर हम बात करें, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति को 50% और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला, चाहे महिला आपकी पिछड़ा वर्ग की हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की हो या सामान्य कोटि की महिला हो, सबके लिए वहां 55% ही लाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां की कोई कहे कि मैं ओबीसी हूं, ठीक है उत्तर प्रदेश में आप ओबीसी में हैं तो आप जब बिहार में जाओगे तो जनरल में हो जाओगे, तो जनरल में अगर वो महिला हो गई तो उसको भी 55% सीटेट में चाहिए, तो सीटेट में अगर उसके 83 मार्क्स हैं, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है पुरुषों के लिए नहीं है, तो वो एलिजिबल होगी। अब रही बात क्या दूसरे स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, दूसरे स्टेट वाले बिहार ही नहीं बिहार के बाहर के जितने भी स्टेट हैं, टीचर आपको बिहार में बनना है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब एज क्या होनी चाहिए, तो यहां साफ साफ बोला है कि एज आपकी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष किसके लिए होना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय, तो प्राथमिक का नहीं हमें करना है, हमें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, तो 21 से 37 आपका क्या होना चाहिए, जनरल के लिए एज है ये, ठीक है बाकी ये जनरल के लिए एज है और ओबीसी के लिए आपका 40 साल है, 21 से 40 साल तक का एज है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अनुसूचित और अनुसूचित जनजात पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष है, यहां साफ साफ लिखा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। तो आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या चीजें चाहिए, तो यहां ध्यान रखिएगा, एजुकेशन में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस बीएड या बीटीसी होना चाहिए प्लस सीटेट
प्लस सीटेट या बीटेट का पेपर टू क्वालिफाई होना चाहिए। ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। एज आपकी क्या होनी चाहिए, 21 से 37, एक जनरल की बात मैं बोल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, 21 से 37 साल की एज होनी चाहिए। आप 6 से 8 में किसके किसके टीचर बन सकते हैं, आप SST के टीचर बन सकते हैं, आप लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी के टीचर बन सकते हैं, एंड आप किसके बन सकते हैं, मैथ और साइंस के बन सकते हैं, मैथ और साइंस के टीचर बन सकते हैं 6 से 8 में। आपका अगर ग्रेजुएशन इनके फील्ड में है तो, और आपने सीटेट पेपर टू क्वालिफाई किया है तो, और कोई दिक्कत कोई समस्या। हाँ, इस वाले में आपके अदर स्टेट एलिजिबल है तो अदर स्टेट आपका क्या होगा, एलिजिबल है, ये ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल है। अगर अब आपको कोई भी परेशानी कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। बाकी कक्षा 9-10 के लिए, 11 और 12 के लिए किन किन सब्जेक्टों को क्या क्या चाहिए वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।